वो कितनी कुरकुरी देख सकते हैं, इतना सारा हमने इसमें छोला दही सब डाला हुआ है, फिर भी कितनी कुरकुरी सी पापड़ी बनी है, बिल्कुल सिली नहीं है और एकदम मस्त आपके स्ट्रीट स्टाइल चाट बनाए। चलिए जानते हैं इस चाट को बनाने का तरीका। यहाँ पे छोले के लिए हमने ना रात को ही मटर फुला दिए थे, आप देख सकते हैं रात भर भिगोए हुए, आप 7 से 8 घंटे के लिए भी फुला दें। अब इसे पानी से निकाल कर प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, सफेद नमक 1/2 चम्मच, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 पिंच सोडा, मीठा सोडा का इस्तेमाल किया है हमने, इससे मटर ना आपके बहुत अच्छे से घुल जाएंगे, और 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें पानी हमने इसमें लगभग 1/2 ग्लास पानी दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। अब हमने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे। इसके लिए आपको एक बड़ा पतीला लेना है और 1 कटोरी मैदा। एकदम खस्ता कुरकुरी पापड़ी बनेगी। अब इस मैदा में डालिए स्वाद अनुसार नमक, इसमें डालेंगे 1 चुटकी जीरा और साथ ही में 1 चुटकी अजवाइन, इससे ना इसका स्वाद बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। साथ ही में चाहिएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। एकदम खस्ता कुरकुरी पापड़ी ना, आप ये पापड़ी स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने बिल्कुल कुरकुरी रहेगी और कुछ भी नहीं होगा इस पापड़ी को। चलिए अब इसको स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक आटा लगा लेंगे। आपको ना इसका एक मुलायम सा आटा लगा लेना है। अब हम आटे की लोई कर लेते हैं। आटे को आपको बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत पापड़ी बना सकते हैं। अब इस तरीके से लोई बनाने के बाद आप हाथों से दबाकर इसके पेड़े बना लें। टोटल 7 पीस हुई है हमारी ये पेड़े। अब हम इसको बेलते हैं। चलिए चलिए अब इसमें से एक पेड़ा लेते हैं, उसे अच्छे से, आप आटा या मैदा किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे अच्छे से डिप कर लें और उसे धीरे धीरे आराम से बेल लें। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पापड़ी हमने बेल ली है। चलिए आपने एक फॉर्क की हेल्प से इसमें 3-4 जगह पर ना छेद कर लें, ताकि आपकी पापड़ी फूले नहीं, वरना क्या होगा ना आपकी पापड़ी फूल जाएगी। चलिए इसे साइड रखते हैं और दूसरी पापड़ी को भी सेम प्रोसेस से हम बेल लेते हैं, जब तक हमारा रिफाइन ऑयल गर्म हो रहा है। देख सकते हैं लोई हमने इसमें डालकर देखी कितना अच्छे से ये फूल गया है। अब इसे आप निकाल लीजिए। अब आपको हाई फ्लेम पर इसमें डालनी है पापड़ी जो हमने पहले से बेल कर रखी है। अब आप फ्लेम को लो कर लीजिए। आप लो फ्लेम पर बनाएंगे ना तो ये क्रिस्पी होगी। अब इसे आप 2 मिनट होने दीजिए, बहुत ही कुरकुरी सी पापड़ी बनेगी। देख सकते हैं पापड़ी हमारी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी पापड़ी को भी हाई फ्लेम पर डालेंगे और टर्न करने पर हम इसके फ्लेम को भी लो कर देंगे, ताकि ये क्रिस्पी हो सके। अब फ्लेम को हम लो कर देते हैं। सेम प्रोसेस से हम सभी पापड़ी को बना लेते हैं।
आप देख सकते हैं हमारी सातों पापड़ी कितनी अच्छी और क्रिस्पी हुई है। देखिए कितनी कुरकुरी सी है ये पापड़ी। अब हमने छोले में तड़का लगाने के लिए एक तरफ चम्मच चढ़ा लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सरसों तेल से ना बहुत ही चटाकेदार स्वाद आता है। अब हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई के कुछ दाने। देख सकते हैं राई के दाने में कितने सारे। सॉरी गाइस थोड़ा सा स्किप हो गया, हमने तड़का को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। देख सकते हैं कितने बेहतरीन छोला बन चुका है। चलिए अब हम पापड़ी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने धनिया की चटनी ली है, इसके लिए क्या किया ना, मिक्सी में धनिया ले लिया, एक मिर्च डाल दी, थोड़ा सा अदरक और नमक डालकर पीस लिया। ये इमली की चटनी ली है, इसके लिए हमने क्या किया, इमली में थोड़ा सा गुड़ डालकर अच्छे से उसे सिझा लिया, फिर इसमें एक चम्मच केचप डाल दिया और बहुत ही अच्छा से ये इमली का सॉस बन गया। ये फेटा हुआ दही, कटे हुए बारीक प्याज, भुजिया, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर। मेरे पास महीन वाली भुजिया नहीं थी तो मैंने मोटी वाली का इस्तेमाल कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्वाद। चलिए अब इस पर एक पापड़ी रखते हैं, उसमें डालेंगे छोला। अगर आपके पास छोले नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, आप उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, दो चम्मच हरी चटनी, दो चम्मच इमली की दो चम्मच हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी और दो चम्मच दही। वाह देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रीट स्टाइल चाट बना है। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज, आप चाहे तो अनार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट स्टाइल चाट है ये। अब इस पर आप डालिए थोड़े से भुजिया, टेस्ट इंक्रीज करने के लिए हल्का सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाट मसाला नहीं भी डालेंगे तो बहुत अच्छी चाट लगेगी। थोड़ा सा नमक और एकदम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। देख सकते हैं हमारी चाट सर्व हो चुकी है। ये ऐसी ही बेहतरीन रेसिपी को जानने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।